और कितना इंतजार करूं मैं? जैसे भी हो तू कुछ इंतजाम कर। अगर तू इंतजाम नहीं कर पा रही है तो मुझको बता, मैं इंतजाम कर लूंगा, मैं उससे बात करूंगा। तुम बात करोगे? हाँ, क्योंकि तू तो उसको नहीं समझा पा रही है तो मैं ही समझा लूंगा उसको। बुला आसमा को, बुला। वो अब घर में नहीं है। घर में नहीं है? कहाँ गई है वो? वो अमीना के घर गई है, कल अमीना आकर उसे बुला कर गई थी। अमीना मतलब वो हमिद मास्टर की बेटी? हाँ। कब लौटेगी वो? देर होगी, दोपहर के खाना खाए बिना उसे अमीना आने नहीं देगी। दोपहर के खाना खाकर? अरे तूने उसको जाने क्यों दी? घर में और कितनी गालियां खाती रहेगी वो, खाना पीना भी कम कर दिया उसने, इसीलिए मैंने जाने दिया। और अमीना बुरी लड़की नहीं है भाईजान। कौन अच्छा कौन बुरा दुनिया में पहचानना मुश्किल है। आसमा को घर से निकलने देकर तूने बहुत बड़ी गलती की है मफीदा। नहीं नहीं भाईजान, तुम फिक्र मत करो, अमीना बुरी घर की औलाद नहीं है। आसमा के मन थोड़ा हल्का हो जाए इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। और एक बात भाईजान। बात? क्या बात? ज्यादा बंधन में रखने से वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठी तो किसी के साथ तो भाग भी सकती है ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि नजर रख अपनी बेटी पर, उसको काबू में रख। और मफीदा, देर तो तू ही कर रही है, मुझे सिर्फ ये कहना है कि तू करीम मियां से एडवांस ले ले और जैसे भी हो उसकी निकाह करवा दे। अगर जबरदस्ती करवा भी दे और निकाह के बाद मेरी बेटी कुछ कर बैठी तो क्या बदनामी नहीं होगी? तू बहुत दूर की बात सोच रही है मफीदा, अरे लड़की है। निकाह के बाद वो अगर गाड़ी में बैठेगी, आराम की जिंदगी बिताएगी तो ये सब वो भूल जाएगी। तो तुम्हें और एक दिन आना पड़ेगा, मैं खबर दूंगी। अगर तुम उसे समझा पाओगे तो इस झंझट से मुझे राहत मिलेगी। ठीक है मफीदा, अगर तू कह रही है तो मैं एक दिन जरूर आऊंगा, मैं ही उसे समझा दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ। अल्लाह हाफिज। तुम जो कह रही हो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम की कुछ काम शहर में चल रही है उसके बारे में मैं कुछ समझी नहीं। दीदी मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। सरकार ने कुछ एनजीओ को ये सब ट्रेनिंग देने के लिए नियोजित किया है। हाँ। और उन लोगों को, मतलब जो लोग ट्रेनिंग लेंगे। हाँ। उन लोगों को पैसे देने का भी बंदोबस्त किया है। जब ट्रेनिंग खत्म होगी तब उन लोगों को कमाई के लिए, मतलब खुद की कमाई के लिए वो लोग बंदोबस्त भी कर देंगे। अब कहो आसमा को कैसे ट्रेनिंग दी जा सकती है? मैं एक बात सोच रहा हूँ दीदी। कौन सी बात कहो तो। सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं, हमारे आसपास के दो गांव में अच्छी दर्जी नहीं है, इसलिए आसमा अगर टेलरिंग का कोर्स कर ले तो वो ट्रेनिंग के बाद अच्छी बिजनेस कर पाएगी। वो कैसे? ट्रेनिंग के बाद अगर आसमा अपनी सहेलियों को भी सिखा लेगी तब वो रेडीमेड कपड़ों की बिजनेस कर पाएगी। देख रही हूँ तुम आसमा के भविष्य के बारे में बेखूबी से सोच रही हो, मैं तुम्हारे सोच को पसंद करती हूँ। लेकिन दीदी उस दिन आसमा कह रही थी कि आसमा की अम्मी उसकी भविष्य को छोड़कर उसकी निकाह पर जोर दे रही है। तुम अपना काम बेफिक्र से करते जाओ मकबूल, मैं जल्दी ही मफीदा दीदी से बात करूंगी। ठीक है दीदी, तो मैं चलता हूँ। हाँ हाँ तुम जाओ, मुझे भी देर हो रही है स्कूल के लिए। जी हाँ। अरे मकबूल। अरे अब्दुल शशा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तू बता कहाँ से आ रहे हो? मैं थोड़ा राधा दीदी के घर से। अच्छा? आ रहा हूँ। उस दिन भी तेरा साइकिल राधा के आंगन में मैंने देखा था, आज भी तू वहीं से आ रहा है? अरे तेरे मुर्गी फार्म में राधा ने पैसा लगाया है क्या? आप भी ना शशा, आपको हर तरफ रुपए पैसे ही दिखता है। नहीं नहीं, तेरे जैसा लड़का
राधा के घर बार बार जाना कुछ तो बात होगा, मैं वही जानना चाहता था। नहीं चाचा, राधा दीदी सचमुच अच्छी है। मैं जब भी किसी मुसीबत में पड़ता हूँ तो उसी के पास जाता हूँ। उनके साथ बातें करने से मेरी मुसीबतें दूर हो जाती है, और राधा दीदी के जैसा कोई नहीं है हमारे गांव में। तेरे कहने से क्या होगा, गांव में एक पंचायत है, वहाँ के मेंबर्स है, मुखिया है, ये सब लोग तेरे मुसीबतें दूर नहीं कर सकते है क्या? सिर्फ तेरी राधा दीदी ही मुसीबतें दूर कर सकती है। कुछ मुसीबतें ऐसा है ना साशा, जिसका हल निकालने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, और उसी के लिए लिखाई पढ़ाई की जरूरत पड़ती है, जो सिर्फ राधा दीदी के पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो निस्वार्थ और उसकी हृदय जो है बहुत कोमल है। अरे तूने तो एक अच्छा सर्टिफिकेट दे दिया। सुन, मैं भी एक मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मुझे तेरे राधा दीदी के पास ले चलना। साचा, आप भी मुसीबत में हैं? हाँ। जरा आपकी मुसीबत के बारे में बताइए तो। बहुत बड़ी मुसीबत है, लड़की निकाह के लिए राजी नहीं हो रही है। साचा, इस मुसीबत का हल मेरे पास नहीं है। मेरा अम्मी अब्बू मेरा निकाह के लिए मेरे पीछे लगे हैं, और मैं पीछे हट रहा हूँ ताकि मेरे बिजनेस में थोड़ा और तरक्की हो जाए। लेकिन साचा एक मुसीबत है, मेरा जो आने जाने का रास्ता है ना, वो थोड़ा ठीक करवा दीजिए ना। सुना है पंचायत में फंड भी आया है। अच्छा, ये मुसीबत है? अरे तू फिक्र मत कर, तेरे ये रास्ते का नाम मैं आज ही लिस्ट में घुसा दूंगा, फिक्र मत कर तू। अच्छा मैं अब चलता हूँ, मुझे प्रेसिडेंट के घर जाना था। और हाँ, मैं प्रेसिडेंट से आज ही इस रास्ते के बारे में बात करता हूँ। चलता हूँ मैं, तू फिक्र मत कर, ठीक है? ठीक है सासा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। मैं नहीं डरूंगी, बचपन में ही एक बार अब्बा जान के साथ गई थी, बड़ी होने के बाद तो शहर गई ही नहीं। और ऊपर से तुम कह रहे हो कि मुझे शहर जाकर रहना पड़ेगा, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 3 महीनों के लिए। वहाँ जाकर मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी, ये सब तो मुझे जानना होगा ना। उसका भी चिंता की कोई जरूरत नहीं, सरकार जिस संस्था के जरिए ये ट्रेनिंग दे रही है ना, उन्हीं लोगों ने सब बंदोबस्त करके रखा है। सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं दी है, मुझे तो मालूम ही नहीं थी। कैसे मालूम पड़ेगी, तुम तो सिर्फ सोचती रहती हो और अम्बी के साथ झगड़ा करती रहती हो। इससे आसमा तुम सोच सकती हो, कुछ कर नहीं पाओगी। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ट्रेनिंग के लिए शहर जाने के बाद जब अम्मी को पता चलेगा, पता नहीं उनका रूप कैसा होगा। अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ट्रेनिंग में जाने का मन है, जब भी मैं अम्मी के बारे में सोचती हूँ तो मेरा मन कब उठता है। मुझे सब पता है आसमा, तुम्हारे बारे में और तुम्हारे अम्मी के बारे में सोचने से भी तुम पर दया आता है। कभी कभी जिंदगी में आदमी को पथरीला रास्ता से भी गुजरना पड़ता है। तुम राधा दीदी को देखो, वो कैसे मैनेज कर रही है, इसलिए तुम सोचो मत। मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, और राधा दीदी तुम्हें जो करने को कह रही है वो तुम करते जाओ। आप गलत सोच रही हो दीदी, आप आज भी आपके जमाने में ही हो। आप सोचिए तो जरा, मैं शहर से गाँव आके यहाँ पे नौकरी नहीं कर रही हूँ क्या? आज जमाना बदल चुका है, और आसमा भी इस जमाने के साथ बदलना चाहती है, वो आपकी जैसी कमजोर जिंदगी नहीं चाहती। दीदी मैंने तो उसके निकाह के लिए एक अमीर घर ही ढूंढी है, उस घर में उसे मेरी तरह जिंदगी कभी गुजारनी नहीं पड़ेगी, उसे हर सुख मिलेगा जो मैं कभी नहीं दे पाई। आपकी नजर सिर्फ उसके धन दौलत पर ही है, कभी आपने अपने बेटी के बारे में सोचा है? धन दौलत वाले सुखी होते हैं क्या? हमारे जैसे लोग तो धन दौलत को ही सुख शांति मानते हैं,
धन रहे तो सुख शांति खरीद सकते हैं। आपने फिर से गलत कहा मफिता दीदी। अगर धन दौलत रहने से आदमी को सुख मिलता तो करीम मियां दूसरे शादी क्यों करना चाहते हैं? उनके तीन लड़कियां तो है, अब एक बेटा चाहिए। अगर आसमा से बेटा नहीं हुआ तो वो आदमी फिर से निकाह कर लेगा दूसरी लड़की के साथ, फिर आसमा का क्या होगा? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? इसके सिवा मेरे पास और दूसरा रास्ता नहीं है। आसमा की तकदीर में जो लिखा है वही होगा। ये तकदीर की बातें नहीं है मफिदा दीदी, उससे बेहतर है आप उसे स्वावलंबी बनाइए। उसे शहर में ट्रेनिंग दिलवाने के लिए मेरे पास इतना रुपया नहीं है। सुनिए मफिदा दीदी, आजकल सरकार आसमा की तरह गरीब युवक युवती के लिए बहुत कुछ कर रही है। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, तुम तो उसे ट्रेनिंग में भेजोगे, लेकिन उसके निकाह के बाद क्या करूँ? मैं तो उनसे वादा किया ना, अब मैं क्या करूँ? हाँ ठीक है, तू फिक्र मत कर, हो जाएगा तेरे काम। हाँ ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अरे अरे ओ, अरे ओ मकबूल। चाचा थोड़ा जल्दी में हो, बाद में मिल लेंगे। अरे सुनो तो। अरे आप समझते क्यों नहीं है, एक आदमी से मिलना है। अरे इधर तो आओ, एक बात पूछती थी तुझे। अरे, अरे आओ आओ। बोलिए चाचा, अब समझते क्यों नहीं? बैठ तो सही, बैठ तो सही, तुझे मैं बांध कर नहीं रखूंगा, एक बात ही पूछनी थी। ठीक है पूछिए। तू सिर्फ मुझे इतना बता कि आज से दो दिन पहले तेरी राधा दीदी के साथ एक लड़की को जाते हुए मैंने देखा था, उसके बारे में कुछ मालूम है तुझे? चाचा आप भी ना, इस गांव की हर लड़का लड़की राधा दीदी को चाहती है। अरे उनमें से कोई लड़की उसके साथ गई होगी, और क्या? इसका मतलब तुझे कुछ मालूम नहीं? नहीं मालूम चाचा। तुझे सचमुच मालूम नहीं कि? चाचा मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तुझे मालूम ही नहीं तो तू बताएगा कैसे? चाचा मैं अब चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ मफिदा, अरे ओ मफिदा। अरे भाईजान। तू इधर है? हाँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत से है ना? हाँ। मैं एक बार आया था एक खबर करने के लिए। अच्छा, वैसे तेरी बेटी रास्ते पे आई कि नहीं? कहाँ वो रास्ते पे आएगी। हा? ऐसा क्या? तू उसे बुला ले, मैं उसे समझा देता हूँ। और वक्त गुजर जा रहा है और उधर करीम मियाँ थक गए हैं इंतजार करते करते। बात करने के लिए आसमा अभी घर में नहीं है। घर में नहीं है, कहाँ गई है वो? वो शहर गई है कुछ ट्रेनिंग के लिए। क्या, शहर गई है वो भी ट्रेनिंग के लिए? हाय रे अल्लाह, ये तो किस पाले में पड़ गई मफिदा। मुझे पूछे बगैर उसको शहर भेजी क्यों? और ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत थी उसे? मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है भाईजान, अपने ही बेटी के साथ कितने और झगड़ा करूंगी। नहीं नहीं मफिदा, तूने ये अच्छा काम नहीं किया है, उसे घर से बाहर निकल नहीं देने चाहिए थी। अल्लाह ही जाने आसमा के नसीब में क्या लिखा है, मैं तो उसकी भला ही चाहती हूँ ना। आसमा की सिखोड़ करो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो काम में लगा दिया जाएगा। हाँ अब मैं तो सोचता हूँ आसमा के नाम पर पहले बैंक से मशीन की एक लोन लेंगे, तो उसके बाद वो घर पे ही काम शुरू कर पाएगी। पहले वो लड़कियों की और बच्चों की कपड़े छील लेगी, और मुझे पूरा विश्वास है वो कर पाएगी, और गांव के लोगों को भी उसकी काम पसंद आएगी। अच्छा वो अकेले कर पाएगी क्या? ना कर पाने की कोई गुंजाइश ही नहीं दीदी। हाँ अगर उसे तकलीफ होती है तो गाँव की 2-8 सहेलियों को भी वो सिखा लेगी। तुम सही कह रहे हो मकबूल, मफिदा दीदी को भी उसे मदद करने को कहना होगा। अगर आसमा घर आते ही उसकी शादी उससे करवाना चाहे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैंने आसमा से पूछा था दीदी, उसने कही है कि उसे अब स्वावलंबी बनने की क्षमता मिल गई है, और वो खुद अपनी निकाह खुद की मर्जी से करेगी। अरे मफिदा दीदी, हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा? आइए ना बैठिए बैठिए। हाँ। बैठिए। इसे पहचानते हैं ना आप? जी नहीं। ये मकबूल है, आसमा की तरह इन्होंने भी सरकार से कौशल विकास की ट्रेनिंग लिया है, और अब इन्होंने मुर्गी फार्म खोला है। उस मुर्गी फार्म के बारे में मैंने
किसी से सुना है। बहुत बड़ा फार्म है ना? मकबूल, ये है आसमा की अम्मी मफीदा दीदी। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। मुझे भी। मकबूल बहुत अच्छा लड़का है मफीदा दीदी, इन्होंने आसमा की ट्रेनिंग में बहुत मदद की है। अच्छा, मैंने तो सोचा था आसमा की ट्रेनिंग में तुमने बहुत मदद की। हाँ वो तो सच है, पर मैं स्कूल की वजह से ऑफिस कचहरी जा नहीं पाती हूँ, तो इन्होंने बहुत मदद की है। हाँ राधा बहन। हाँ आसमा कब तक आएगी? मफीदा दीदी वो अगले हफ्ते घर पहुँच जाएगी। दीदी हाँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं थोड़ा फार्म होकर आता हूँ, एक काम है, अब बैठिए। हाँ ठीक है। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास चार ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। हाँ हाँ आसमा बोलो। हाँ 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 मुझे बिल्कुल याद है। तुम देख लेना कल मैं सुबह 10 बजे तुम्हारा ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाऊंगा, तुम तैयार रहना। अरे शहर के होटल में एक कप चाय पिए बगैर आओगे क्या? क्या कहा? अरे तुम्हारे अम्मी के साथ मेरी पहचान हो गई है। अब मैं तुम्हें वहां से लाकर तुम्हारी अम्मी को सौंप सकता हूँ, तुम्हें फिक्र की कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, अब मैं रखता हूँ, कल मिलेंगे ठीक है। मफीदा तेरी बेटी शहर से आ गई है ना? आ गई भाईजान। मुझे राधा मास्टरनी से मालूम पड़ा। अच्छा मफीदा, तौफिक चाचा ने कहा कि तू 2-3 दिन से उसके घर काम करने के लिए नहीं गए है। जी वो जाने के लिए मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रहा था। वो आसमा से तो उसके ट्रेनिंग के बातें सुनते सुनते मेरे वक्त ही गुजर जाती है। उसकी बातें तू सुन रही है लेकिन तेरी बातें उसने सुनी कि नहीं? जी मेरी बातें सुनने के लिए उसके पास फुर्सत कहाँ, और मैं भी कह नहीं पा रही हूँ। ऐसे कैसे होगा? अगर तू कह नहीं पा रही है तो उसको बुला ले, मैं कह देता हूँ। जी हाँ हाँ। आसमा बेटी। जी अम्मी। जरा इधर आ। जी आई। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से है ना? बस अल्लाह की मेहरबानी है, वैसे मैं तो हमेशा खैरियत से ही रहता हूँ। मैं यहाँ आया था तेरी निकाह की बात करने के लिए। तेरी अम्मा ने तो तुझे सब कुछ बता ही दी होगी, अब मुझे तेरी राय जानकर उन्हें बताना है। चाचा जी मैं सोच रही थी कि आप मेरी ट्रेनिंग के बारे में खबर लेने के लिए आए हैं। काफी सारे लोग मेरी खबर लेने के लिए आए भी हैं, और वे लोग मेरी मदद भी करना चाहती हैं, जिससे मुझे काफी हौसला भी मिली है। और आप आए हैं मेरे निकाह के न्योता देने, वो भी हमारे गांव पंचायत के एक मेंबर होकर। नहीं नहीं आसमा, तू मुझे गलत समझ रही है। तो कपड़े वगैरह छिलाने के ट्रेनिंग लेकर कुछ करना चाहती है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब करने के लिए तुझे क्या पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ। रुपयों पैसों के बारे में फिक्र करने की जरूरत आपको नहीं है चाचा जी। सरकार मुझे बैंक से लोन देगी और उस पैसों से ही मैं अपने काम शुरू करूंगी। लोन लेके तिजरत करेगी? सुन लोन लेने से बेहतर है तू करीम मियां से। चाचा जी
अब निकाह की बातें मुझसे मत कीजिए। तो क्या तू निकाह नहीं करेगी? करूँगी। पर कब? जब वक्त आएगा। पर इतने दिन करीमिया। आप क्या करीमिया करीमिया कहते रहते हैं? मैं उसके साथ कभी निकाह नहीं करूँगी, समझिए आप। तो फिर तू किसके साथ निकाह करेगी? चाचा जी, आप मेरी बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं आपकी कदर भी करती हूँ। इसलिए मैं आपको बता भी रही हूँ, जो मुझे समझ पाएगा और मुझे स्वावलंबी होने में मेरी मदद करेगी, मैं उसी को पसंद करूँगी और निकाह भी उन्हीं से करूँगी। करीम मियाँ जैसे लोगों के हाथों में बिकना नहीं है मुझे। मैंने कहा था ना तुझे, देख तेरी बेटी उड़ने लगी है। शहर भेजा था ना उसे ट्रेनिंग लेने के लिए, अब देख क्या ट्रेनिंग लेके आई है। कितनी कितनी बदतमीज हो गई है। मेरे काम हो गए। इसका मतलब अब मेरा काम बाकी है, तुम फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। फिक्र मत करो मतलब? हम बैंक से लोन लेने पर ही मशीन खरीद पाएंगे ना। अरे हम अभी तो बैंक ही जा रहे हैं ना। हाँ। दो सर दस्तखत करने हैं और गारंटर का दस्तखत मैं कर दूंगा, और उसके बाद तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे और उस पैसे से हम बाजार जाकर दो मशीन खरीद के लाएंगे, उसके बाद तुम अपना काम शुरू कर देना। आज मैं बहुत खुश हूँ, और तुम्हें पता है अमीना मस्पिकर ने तो मुझे कपड़े सिलवाने की ऑर्डर भी दे दी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं भी ना गांव में एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोलने को सोच रहा हूँ। सच? मुझे देखकर तुम भी काफी दूर आगे बढ़ने की कल्पना कर रहे हो। हाँ, कल्पना तो बहुत कर रहा हूँ, पर ये भी सोचता हूँ कि तुम्हारे इस आगे बढ़ने की सफर में मुझे हमरा ही बनाओगी या नहीं, कहीं तुम भूल तो नहीं जाओगे ना। तुम्हें हो क्या गया है, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? फिर से नहीं कहूंगा। अरे बाबा कहा ना, फिर से नहीं कहूंगा। अब चलो, बैंक को देर हो जाएगी, चलो।